من الشيطان الرجيم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب मोहतरम। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हमदो सना दे बाद बेशुमार ला तादाद दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमेन सैयदुस्साकालेन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते जिस मुकाम में जी शान नो मैं इस वक्त तिलावत कीता ए मुकाम आलिशान अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाल वल इकराम दी अजीम शान और अजीम उल बरकत किताब दा तेईसवां पारा छपारे दा रुकू पंद्रवा सूरत दा नाम सूराए जुमर सूरत दा रुकू पहला कमो बेश एक लाख ते चौवी हजार अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस कायनात तशरीफ ले आए अल्लाह ने मबऊस फरमाए और उन्हां दी आमद बेमाना बेमकसद नहीं सी बल्कि उहदे खास मकासद सन के लोगां नू अल्लाह नाल जोड़िया जाए कुर्बे इलाही दियां रावां दसियां जान जन्नत जान वाले हर
रस्ते दी निशान दही कीती जाए, जहन्नम तो बचन वाली हर तदबीर तो आगाह कीता जाए कि जन्नत के अंदर दाखिल किंज होया जा सकता, जहन्नम तो बचिया किंज जा सकता। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम दी आमद बेमकसद नहीं, उन्होंने जो पैगाम आके लोगों तक पहुंचाया अपनी दावत या अपना पैगाम नहीं सी, वो अल्लाह दा पैगाम सी। और इसे तरह मेरे और तुहाडे पीर और मुर्शद आमिना दिलाल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी दुनिया ते तशरीफ ले आए और लोगों तक अल्लाह दा ही पैगाम पहुंचाया। एक बात आज दे इस अजीम शान खुतबे जुमा दे अंदर मैं जड़ी अर्ज करना चाहना, वो जरा अपने दिलो दिमाग दियां तख्तियां ते मुनक्किश फरमा लो कि दीन अपनी मर्जी दा नाम नहीं, दीन अपनी मर्जी दा नाम नहीं। ए बात ज़हन च रखिया जे मेरी पूरी गुफ्तगू अज दे खुतबे जुमा दी के दीन अपनी मर्जी दा नाम नहीं, दीन अल्लाह दी भेजी होई वही दा नाम है और दीन मुस्तफा दी जबान पाक तो निकले हुए अल्फाज दा नाम है। दीन अपनी मर्जी दा नाम नहीं। जो मैं समझा मैं बोल दिया, जो तुसी समझो दीन दा नाम लैके तुसी कह दियो। इधरों एक मौली साहब उठे वो दीन दा नाम लैके अपनी गल सुना जान, एक दो इधरों उठ वो दीन शरीयत कह के अपनी गल सुना जान। मेरी बात दीन नहीं, तेरी बात दीन नहीं, मौलवी दी बात दीन नहीं, खतीब ते शायर ते मुफ्ती ते शेखुल हदीस दी बात दीन नहीं। इल्ला ए के जेड़ा दीन दी गल करे, ए अल्लाह ने फरमाया, ए अल्लाह दे रसूल ने फरमाया, नबी दा दसिया दीन ते अगे पहुंचा सकदे आ, कोलो दीन बना सकदे नहीं। दीन अपनी मर्जी दा नाम नहीं। फिर ज़हन च रखो दीन अपनी मर्जी दा नाम नहीं। दीन होवे जो अल्लाह दे कुरान ने दसिया ते नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम दे फरामीने गिरामी चो और आप दी ज़बाने अक्दसो अतहरो आला तो अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने निकलवाया। इस वास्ते आइए जरा अल्लाह दा कुरान भी समात फरमाइए। नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम आप दे फरामीन भी अपने दिलो दिमाग दिया तख्तियां ते मुनक्किश फरमाइए। दीन खालिस केड़ा है? अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने अला खबरदार, अला खबरदार। पहला गल करन लगा कोई बंदा जेड़ी गल कर दे आंदा खबरदार मेरी गल ते आना सुने आंजे,
खबरदार मेरी गल नू अच्छे तरीके ना सुनिया जे अपने वास्ते फायदामंद बनाना चाहते हो अला चंगी चंगी तरह मेरी गल नू नोट करे आजे अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने अला लिल्लाहि दीनुल खालिस अला लिल्लाहि दीनुल खालिस अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने खालिस दीन ओहीए खालिस इबादत ओहीए जेड़ी अल्लाह कल्ले दी कीती जाएगी खालिस दीन ओहीए अल्लाह ने अपने कुरान दे अंदर नाजल फरमाया खालिस दीन ओहीए जो आमिना दे लाल ने जबाने नबुवत तो फरमाया और कुरान दा एक दूसरा मकाम अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने हो वल्लजी अरसला रसूलहु बिलहुदा हो वल्लजी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीन लहक्के ले युज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वकफा बिल्लाहि शहीदा। कुरान दा एक तीसरा मकाम रब्बुल आलमीन दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम आप मैदाने अरफात दे अंदर तशरीफ फरमाने और मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सामने वो सवा लख के डेढ़ लख सहाबा दी जमात अल्लाह फरमांदे ने अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वाह कुरान मैं तेरी अजमत तो सदके जावा ते लख वार मैं कुर्बान जावा और सोने ओ कदी कुरान नु पढ़ो कुरान दा तर्जमा अपने दिलो दिमाग दिया तख्तियां ते किते मुनक्किश करो अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने अल यौम अकमल तो लकुम दीनकुम आज तो 1400 साढ़े 1400 साल दा अरसा पहला प्यारे पैगंबर मैदान अरफात दे अंदर मौजूद ने सहाबा दी जमात सामने जलवा फरोज ए अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने अल यौम अकमल तो लकुम दीनकुम पता लगा दीन ओवे जेड़ा आज तो 1400 साल पहला अल्लाह ने मेरे नबी ते मुकम्मल फरमा दिता अल यौम अकमल तो लकुम दीनकुम व अतमम तो अलैकुम नियमती एदा मतलब है दीन ओहो ही है दीन मेरी तेरी मर्जी दा नाम नहीं दीन ओहो ही है जेड़ा अल्लाह ने कुरान च भेजिया ते नबी दी जबान तो निकलिया एदे तो इलावा दीन दीन हो सकदा पंजाबी दी जेड़ी मिसाल है ना दुध खालस ओहो ही है जेड़ा मज दे थना चो निकले ओदे च मिलावट कामुकी दी मरकजी मस्जिद दियां टूटियां दा पानी पा लो तद भी मिलावट है तद भी मिलावट है ओदे च पानी इस्लामाबाद दी फैसल मस्जिद दा पा लो तद भी मिलावट है ओदे च पानी मैं अन्ना मस्जिद नबवी दियां टूटियां दा पा दियो तद भी मिलावट है मैं थोड़ा अगे जाना ओए ओदे च पानी जम जम पा दियो तद भी मिलावट है खालस दुध ओहो ही है जेड़ा मज दे
थाना चो निकलदा ते खालस दीन ओहोई जेड़ा आमिना दे लाल दी जबान विचो निकलदा है। साड़ी तुहाड़ी मर्जी दा नाम दीन इस्लाम नहीं। अल यौम अकमल तो लकुम दीनकुम व अतमम तो अलैकुम नियमती व रज़ी तो लकुमुल इस्लाम दीना। ऐथे फरमाया हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا۔ اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والو ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا او اللہ جن نے بھیجیا اپنا رسول تے نال ہدایت بھی بھیجے رسول بھیجیا ہدایت دے کے ودین الحق تے حق والا دین دے کے بھیجیا رب نے تے بھیجیا کدے واسطے لے یو زہرہ علی الدین کلہ ہی تاکہ اے دین سارے دیناں تے غالب کر دیتا جائے لے یو زہرہ علی الدین کلہ ہی تاکہ تمام ادیان تے دین اسلام نو غالب کر دیتا جائے۔ دے کے کیڑی ہستی نو بھیجیا تے کنا حالات دے اندر محبوب تشریف لے آئے نے حالات کی نے اودو پروگرام لوکاں دے کی نے اودو لوگاں دی حالت کیفیت کی ہے لوکیں پوج دے سن پے قبراں لوکی پوج دے سن پے قبراں نالے حجراں نالے شجراں نالے حجراں نالے شجراں اوناں در در دے پجاریاں اوناں در در دے پجاریاں ایک در تے سونا چکانا آیا اونا در در دے پجاریاں ایک در تے سونا چکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا کیڑے مصطفیٰ دے سریے اللہ نے دین نازل فرمایا لوگاں تک پہنچایا قربان جاما بڑی پیاری گل کی تھی جدے حسن تے رب وی ناز کرے جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے تاہا یاسین مزمل دے پا رب کو لو لقب تے شان آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں کاموں کی والیو بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں قبراں وچ پورے آ جاندا سی بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں قبراں وچ پورے آ جاندا سی اوناں بے کس تے مظلوماں لئی اوناں بے کس تے مجبوراں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا
ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਸਤੇ ਮਜਬੂਰਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਬੀ ਮਬੂਸ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਵੱਲਜ਼ੀ ਅਰਸਲਾ ਰਸੂਲਹੁ ਬਿਲ ਹੁਦਾ ਵਦੀਨ ਲਹਕ ਕੇ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਯੋ ਜ਼ਹਿਰਾਉ ਅਲਗ ਦੀਨ ਕੁੱਲੇ ਅਸਾਂ ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਕਫਾ ਬਿੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੀਨ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾਕ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਦੀਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਸਿਹਾਬਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਮਾਰੂਫ ਰਿਵਾਇਤ, ਚਿੱਟਾ ਸਫੇਦ ਲਿਬਾਸ, ਕਾਲੇ ਸਿਆਹ ਸਿਰ ਦੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ, ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਹਾਬਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਫੱਬ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਆਲੀ ਸ਼ਾਨ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸਦਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਸਿਆਬਾ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਡਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਆਪਸ ਹੀ ਲੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅਧੀਸ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਸੁਣ ਲਈਏ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਨਕੀਦੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਖੈਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਦਾੜੀ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਏ, ਇਹ ਜਿਬਰੀਲ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਬਰੀਲ ਆਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਹਾਬਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਆਪ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਿਹਾਬੀਓ ਜਿਬਰੀਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਮਸਾਇਲ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਨਬੀ
पाक ने जिबरील दी आमद दा पहला ऐलान भी नहीं फरमाया। जिबरील आए ने बाद विच नबी पाक तो सवाल करके चले गए ने। हुण मेरे आका फरमांदे ने कौन है सोनियो सानू ते पता नहीं। फरमाया जिबरील अमीन ने परवाने ओ सवाल पैदा हुंदा सहाबा भी है सर नबी पाक भी तशरीफ फरमा सर। जिबरील अमीन आउंदे आके खुतबा पढ़ दे मुख्तसर जे आवाज फरमांदे सहाबा सामने बैठे और ये सहाबा नू पता अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर दे कोल वही कदी खामोशी नाल आउंदी है। जिबरील कदी इंसानी शक्ल विच आउंदे ने कदी वही दा कोई तरीका कदी कोई तरीका हुंदा है अंदाजा ते है इसे। जिबरील अमीन बराहे रास्त आके खुतबा इरशाद फरमान दे नाल सहाबा नू दस दे ईमान ऐदा नाम है इहसान ऐदा नाम है ए सहाबा दी जमात नू दस दे ए सारियां गल्लां खोल खोल के अल्लाह क्यों नहीं दसिया। फरमाया असल गल ए वे बराहे रास्त जिबरील दस भी देवे शरीयत ओदो बनेगी जदो आमिना दे लाल दी जबान नबुव्वत चो निकलेगा। नबी दे कहन ते नबी दे फरमान तो पहला बोलो शरीयत बन सकदी। हुजूर दे फरमान तो पहला आमिना दे लाल अली सलाम दी मोर तो पहला शरीयत शरीयत नहीं बन सकदी। मौलाना फरमांदे ने मीम मोहर मोहम्मदी नूर कलमा मीम मोहर मोहम्मदी नूर कलमा ते इथे हुक्म नहीं गैर टिक साल दाए नहीं ऐस बाजो दूजा सन जारी नहीं ऐस बाजो दूजा सन जारी ते हुक्म आ गया जुल जलाल दाए कोई बंदगी नहीं मंजूर उस दी कोई बंदगी नहीं मंजूर उस दी ते जेड़ा गैर दी पैरवी पाल दाए सत्तार बख्श जिदे कोल नहीं मोहर कलमा सत्तार बख्श जिदे पास नहीं मोहर कलमा ओ बिला शक नमरूद दे नाल दाए शरीयत ओदो बनेगी जदो मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी ज़बान नबुव्वत चो निकलेगी। मैं दस रहा वा रब्बुल आलमीन फरमा रहे ने अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ले युज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वकफा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह जल जलाल दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम आप दी जबान अकदस तो निकले जुमले ए कोई शरीयत बनेंगे साड़ी मर्जी दा नाम दीन ने तुहाडी मर्जी दा नाम दीन ने साड़ी सोच दा नाम इस्लाम ते शरीयत ने तुहाडी सोच दा नाम इस्लाम ते शरीयत ने। इस्लाम होवे जेड़ा कुरान ने दसिया ते मुहम्मद मुस्तफा ने दसिया गल किते समझ आ जाए ते रोज रोज दे झगड़े ते लड़ाइयां ते फितने बहुत जल्द खत्म हो सकते ने। एक दफा न इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा ने और पता जे इमाम
امام مالک ہے کون نے؟ ایک حدیث دی وجہ تو کنی ہے؟ ایک حدیث دی وجہ تو اسی تے ایک ایک دن پتا نہیں کنیاں حدیثاں دی مخالفت کرنے ہیں۔ ساڈا دن، ساڈیاں راتاں، ساڈی جلوت، ساڈی خلوت، کنج اسی پیغمبر دے حکماں دا مزاق اڑانے ہیں۔ شریعت اپنی مرضی دی، دین اپنی مرضی دا۔ اور ایک گل ذہن چ رکھو، جتھے اپنی مرضی نال دین بنایا جائے تے اپنی مرضی شریعت وچ چلائی جائے، رب نو اے وارا کھاندی نہیں۔ اور ایسے لوگاں دے بارے رحمان نے فرمایا، یہودیاں بنی اسرائیل دا قصہ اللہ جلال نے پیچھے کافی سارا بیان فرما کے نہ تن اگے اعلان فرمایا، افاتو امنون بے بازل کتاب و تکفرون بے باز، افا تو امنون بے بازل کتاب و تکفرون بے بازل فما جزا امی افا۔ قرآن دے الفاظ تے کدی غور تے کریے، ویکھیے قرآن سانو سبق کی دے رہا۔ اللہ فرماندے نے، فما جزا امی افعل ذالک منکم اللہ خزیون، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی سانو دنیا آخرت دیاں ذلتاں تے رسوائیاں تو بچا کے رکھے۔ اللہ فرماندے نے، فما جزا امن یفعل ذالک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بنی اسرائیل نو، فرمایا آفاتو امنون بے بازل کتاب، کچھ چیزاں نال ایمان لے اوندے ہو، و تکفرون بے باز تے کئیاں چیزاں نال کفر کر دے ہو، ہے او وی اللہ دا آرڈر، اپنی مرضی دا من لیندے ہو، جنا کو اپنے دل نو لگا اونا کو من لیا، تے جیڑا اپنی طبیعت دے موافق نہیں، اپنی طبیعت دے خلاف اونو چھڈ دین دے ہو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، سونے ہو فرما دے ہو، ذالک منکم جیڑا اے کرے گا نا، اللہ فرماندے نے الا خزی فی الحیات دنیا، اسی انہاں نو دنیا وچ ذلیل و رسوا کر چھڈاں گے۔ اے یہودیاں واسطے، میں بنی اسرائیل واسطے۔ ہن میں دعوت فکر دینا چاہنا، تیرا تعلق بریلوی مکتب ہے فکر نہ لے، یہ دینا غرض نہیں۔ تیرا تعلق کسی دیوبندی مکتب ہے فکر نہ لے، کسی اہل حدیث مکتب ہے فکر نہ لے، یہ دینا غرض نہیں۔ میں رب دا واسطہ دے کے دعوت فکر دینا چاہنا، کیا ترازو پھڑو ہاں تے ویکھیے اونا تے ساڈے چ فرق رہ گیا؟ شریعت آندی ہے سود لینا بھی نہیں تے دینا بھی نہیں، بلکہ فرمایا جیڑا پتہ ہون دے باوجود مسئلے دا پتہ ہے پھر نہیں مڑدا، لیندا وی۔ اور سود دے متعلق ایڈے سخت ریمارکس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے، سود لین والا، سود دین والا، لکھن والا تے گواہی دین والا، چارے بندے لانتی نے، چارے بندے لانتی نے نبی پاک نے فرمایا۔ حالاں جیڑا لکھدا پیا وہ تعلق،
जेड़ा गवाह बनता पे उन्होंने ये की फायदा है। लेकिन नबी पाक ने सूद की इन्नी मुजम्मत की है, अल्लाह सानू सारियां नू बचा के रखे। मैं आइंदा इंशाअल्लाह जल्द किसी खुतबे जुमे बहुत सारे दोस्तों का इसरार सूद के हवाले नाल मैं कुछ अर्ज करांगा। चार बंदे लैन आला देन आला लिखन आला गवाही देन वाला, चार बंदे ने जिन्ना ते अल्लाह की लानत बरसती। हुण असी अपने माशरे च नजर मारीए, जेड़ा सूदी कारोबार करदा लैन देन करदा वो अड़े है, उन्हें समझाओ लख समझाओ जनाब ये सही नहीं मुनासिब नहीं, फलाने मौली साहब का फतवा है, फलाने खतीब का फतवा है, फलाने मौली साहब का फतवा है, सारी शरीयत का ठेका हसा लिया, कारोबार तबाह कर लीए, दुकाना बंद कर दईए, और जी मौलविया के कहते बच्चों नू भुखिया मार लीए, मर्जी का दीन मन लिया जेड़ा तबीयत दे मुवाफक है वो मन लिया, जेड़ा तबीयत दे मुखालफ है उन्हों मैं भी ते तुसी भी मनन वास्ते तैयार, इन्हों नहीं दीन आंदे। दीन मेरी मर्जी का नाम नहीं, दीन अल्लाह दे कुरान का नाम है, दीन शरीयत तेरी मर्जी का नाम नहीं, शरीयत आमिना दे लाल दी ज़बान है, नबुव्वत चो निकले अल्फाज का नाम है, अल्लाह अल्लाह। आओ जरा गौर करिए कदी इन्ना चीजा ते तवज्जो करिए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस दे बहुत बड़े इमाम, एक हदीस दी खातर सिर्फ एक हदीस दे वक्त दा हुक्मरान है, पेशानी ते सलवटा आ गई ने, मसला पसंद नहीं आया, फरमाया असी मसला ओ दसने आ जेड़ा शरीयत दे मुताबक होए। किसे दी पेशानी ते सलवटा पैंदियां ने ते पईयां पै, गधे ते बिठा के आप दा मुंह काला कर दिता गया, एक हदीस की खातर असी किनिया हदीसों का इनकार करी जाने हैं, मुखालफत करी जाने, गधे ते बिठाया चेहरा काला कर दिता है, ते सोच की है इनू माशरे च गंदिया करो, नौजबिल्ला जलील करो रुसवा करो, लेकिन उन्हां दी सोच ये सी अपनी बेइज्जती हुंदी है ते हो जाए नबी दे फरमान ते आंच ना आने पाए। गधे ते बिठाया शहर दा चक्कर लगा रहा है, एक मारूफ चौक सी जेड़ा शहर दा उथे लिया के खड़िया कीता, वाह इमाम अल्लाह तेरे ते रहमत दियां बारिशां नाज़िल फरमाए, साडे जैसे कमजोर ईमान जिन्हां दी उन्हां दे सामने को वक्त ते कोई हैसियत नहीं, फरमांदे ने मन आराफानी फकद आराफानी, मन आराफानी फकद आराफानी, वमल्लम यारिफनी फाना मालिक बनो अनसिन, मन आराफनी फकद आराफनी, जेड़ा मैनू जानदा ओ ते जानदा ही है, जेड़ा मैनू पहचानदा ओ ते पहचानदा ही, मुंह नहीं लुकाया मुंह नहीं छुपाया, लोकी की आखनगे लोग मजाक उड़ानगे बल्कि सीना तान के खड़े ने, ते फरमांदे ने मन आरफनी फकद आरफनी, वा मल्लम यारिफनी फअन मालिक बनो अनस, जेड़े मैनू जानदे ने ओ ते जानदे ही ने, ते जेड़ा नहीं जानदा ओ भी
चंगी तरह जान लो मैं अनस दा पुत्र मालिक ओ जनाबे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आन वाले न एक नौजवान ने मजलिस बैठे हैं सवाल कीता कह लगा हजरत वुजू केंज करना वुजू सानू तो हुण ये मसले पूछन दी खैर वैसे ही लोड़ ना रही असा मसले भी मर्जी दे बनाए ने मर्जी दा हर एक कोल ओही सवाल करना हजरत वुजू किवें करना इमाम साहब फरमान लगे तेरा सवाल सही नहीं तेरा सवाल सही नहीं उन्हें बना सवार के फिर दोबारा इमाम साहब वुजू किवें करना फरमाया तेरा सवाल सही नहीं तीसरी दफा इमाम साहब मैं अर्ज कर रहा सवाल मेरा के वुजू किंज करना फरमाया तेरा सवाल सही नहीं कह लगा सवाल भी आपे ही बना लो ते जवाब भी आपे ही दियो तुसी आंदे हो सवाल सही नहीं ते चलो तुसी फरमा दियो सवाल की है ते जवाब की है इमाम साहब फरमान लगे तैनू पुछना इंज चाहिए नबी पाक वुजू किवें कीता ऐ गल किते साडी समझ में आ जाए ना खुदा दी कसमे 90% झगड़े खत्म हो जाए मैं अपने मौली साहब नूं तुसी अपने खतीब साहब नूं जेड़ा जिस सोच दा जिस अकीदे दा जिस मसलक दा वो अपने अपने खतीब कोलो ऐ पुछे हजरत साहब ए दसो नबी पाक ने रफल यदैन कीता के नहीं ऐ जे सवाल मौली साहब नमाज किवें पढ़नी है ये ना पुछया करो हजरत साहब नबी पाक दी नमाज कैसी है मैं नमाज पढ़ के वखावा तुसी नमाज पढ़ के वखाओ कोई बरेलवी भाई देवबंदी साथी नहीं पुछया करो हजरत साहब नबी पाक ने ये ना पुछो कि साढ़े बुजुर्गों ने कीता है कि नहीं बुजुर्गों ने सूरा फातिहा इमाम दे पीछे पढ़ी है कि नहीं और मैनू याद आ गया है परसों तरसों कराची दे एक बहुत बड़े आलमे दीन मुफ्ती रफी उस्मानी अल्लाह उन्हां ते रहमत फरमाए फौत होए ने और उन्हां दे भाई मौलाना तकी उस्मानी अल्लाह उन्हां नूं सेहत नाल लंबी जिंदगी अता फरमाए बहुत पाकिस्तान का बड़ा नाम है और देवबंदी मकतबा फिकर दे जय्यद उलमाए किराम चो ने अपने भाई का जनाजा पढ़ाया ते सूरा फातिहा पढ़ी सूरा फातिहा पढ़ी लोगों ने बड़ी तनकीद की थी उन्हें जनाब हनफी जेड़े इमाम साहब रहमतुल्ला इमाम बू हनीफा दे मुकल्लद कहलांदे ने उन्हां दे नज़दीक फातिहा पढ़ना जनाजे च नहीं जायज दलील कोई नहीं ते तुसा फातिहा पढ़ी उस्मानी साहब फरमान लगे मैं अगे भी समझदा सा ते हुण भी समझना वा सूरा फातिहा जनाजे विच पढ़ना सुन्नत है हक दी समझ आ जाए तो फिर बंदा उन्हों अपना लै ए वड्डी खुश नसीबी कोई अल्लाह अल्लाह मेरे भाई मेरे बरादर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को सवाल सानू भी यही करना चाहिए हजरत साहब ए फरमाओ
नबी पाक ने रफुल यदैन फरमाया के नहीं, आपने सीने ते हाथ बनने ने के नहीं, नबी पाक ने पाओ ना पाओ मिलान दा आर्डर फरमाया के नहीं, इमाम पीछे सूरा फातिहा पढ़न दा पैगंबर अली सलाम तो सबूत है के नहीं, ए ना पुछया करो मौलवी साहब पढ़ देने के नहीं, ए पुछया करो मुस्तफा ने आर्डर दिता है के नहीं, सोने ए पुछया करो नबी पाक दा रोजा कैसा है, हुजूर दा हज कैसा है, आप दे खैरात सदकात कैसे सन, नबी पाक अली सलाम दे गजवात कैसे सन, क्यों अल्लामा साहब मुफ्ती साहब इमाम साहब शेख साहब और जनाब खतीब अरब अजम साहब ये सारे दे सारे मेरे सिर मथे ते ने, ये सब दी मैं इज्जत करना वा, मैं सब दा हया करना वा, मैं सारे दियां जुतियां सिद्धियां करना, अपने वास्ते बायस सद इफ्तखार समझना वा, पर एक बात अपने दिलो दिमाग ते लिख के ले जाओ, बजुर्गी बजुर्गां दी बेशक बजा है, बजुर्गी बजुर्गां दी बेशक बजा है, पर काटे नफेदा ते मालिक खुदा है, इमामत इमामां दी बेशक बजा है, इमामत इमामां दी बेशक बजा है, पर इतात दे लायक सिर्फ मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई मेरे बरादर, दीन अपनी मर्जी दा नाम नहीं, शरीयत अपनी मर्जी दा नाम नहीं, दीन ओवे जड़ा नबी पाक दी जबाने नबुव्वत चो निकलिया। सहाबा हुजूर अली सलाम दी हदीस पाक दी टो विच रहिंदे, कोई मसला अगर नबी पाक तो मिल गया हदीस सामने आ गई फाबे हा बड़ी अच्छी बात, नहीं आई सहाबा तलाश कर दे लभ दे कि अगर कोई मसला पैदा होया तो इहदे मुतालिक नबी पाक दा फरमान की है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन आप अमीर मोमिनीन ने शाम की तरफ साथियों समेत तशरीफ ले जा रहे हैं, बहुत सारे सहाबा नाल ने, रस्ते च एक जगह पहुंचे, खबर मिली पता लगा कि शाम के इलाके च ताऊन की वबा फैली, ते उते नहीं जाना चाहिए। मुख्तलिफ आरा ने कोई आंदा जी जाना चाहिए, कोई आंदा नहीं जाना चाहिए। अमीर मोमिनीन फरमाते ने मुहाजरीन बुलाओ, मुहाजरीन जिन्हें उस लश्कर या काफले सन सारे बुलाए। तो किसे नू पता है कि नबी अली सलातो व सलाम का एदे मुताले कोई फरमान है वे कि नहीं? मुहाजरीन ने अपनी अपनी राय दी, कोई आंदा जी चले जाना चाहिए, घरों जो निकल आया बड़ा अहम मिशन है जाना चाहिए, कोई आंदा जी नहीं जाना चाहिए, तुहाडे नाल बड़े बड़े कीमती लोग ने, और नबी दे सहाबी नालों वध के कीमती बंदा होर केड़ा हो सकता है। आपने फरमाया अच्छा जाओ तुसी अंसार नू बुलाओ, अंसार नू बुलाओ। आप फरमाते ने तुसी दसो की करना चाहिए, कह लगे अमीर मोमिनीन ओहो ही दो राय, कुछ आंदे ने जाना चाहिए कुछ आंदे ने नहीं जाना चाहिए। पर मैं अच्छा जाओ तुसी कुरैश नू बुलाओ, जिन्हें साढ़े नाल हिजरत की है ना पुराने बुजुर्ग, उन्होंने बुलाओ, उन्होंने बुलाया हाँ जी दसो की करना चाहिए। कह लगे अमीर मोमिनीन बेहतर तरीका मुनासिब तरीका है वे सानू वापस मदीने चले जाना चाहिए, लेकिन
हदीस किते किसे कोलों भी नहीं मिल सके। सानू मदीने टुर जाना चाहिए। आप फरमाते ने अच्छा मैं कल फैसला करांगा। अगले दिन अमीर मोमिनीन ने ऐलान कर दिता हां भाई अगे ताऊं दी वबा फैली है, सानू अगे नहीं जाना चाहिए। बड़े बड़े कीमती और किबार सहाबा मेरे नाल ने वापस मदीने चले जाना चाहिए। आपने वापसी का ऐलान फरमाया ते जनाबे अब्दुर रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ तशरीफ ले आए। कहन लगे अमीर मोमिनीन जी तुसा बड़ा ही अच्छा फैसला कीता। मैं चूंकि इत्थे मौजूद नहीं सा ते मैं किते कम गया सा, मैं हुण आया ते मैनू पता लगा तुसा वापसी का प्रोग्राम बना लिया। ए अमीर मोमिनीन तुसा जेड़ा फैसला कीता ऐन सुन्नत दे मुताबक कीता, एन दीन और शरीयत दे मुताबक कीता। क्यों? आमिना दे लाल अली सलातो व सलाम दा फरमाने गिरामी। आप फरमांदे ने जिस इलाके विच ताऊन दी वबा फैली हो, ताऊन दी वबा या कोई भी ऐसी वबा जिस तरह कुछ अरसा पहले कोरोना दी वबा सी, इसे तरह कई वबावां मुख्तलिफ वक्त सामने आउंदियां ने। जिस इलाके च कोई वबा फैली होवे उस इलाके विच तुहानू जान बुझ के जाना नहीं चाहिदा। ते जेड़े उत्थे लोग है ने उन्हानू डर के नसना ते निकलना नहीं चाहिदा। ए अमीर मोमिनीन अजे चूके असी पिछे ही सा ते तुसा जेड़ा फैसला कीता एन मुस्तफा दे फरमान दे मुताबक कीता है। क्यों? अल्लाह जुल जलाल वाली करम दा वादा भी है अला लिल्ला दीनुल खालिस, अला लिल्लाह दीनुल खालिस। रहमान दा भी ऐलान है ओ वल्लजी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले वकफा बिल्लाहि शहीदा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन एक सवाल आया। पहला तो बड़े लोगों को लो मसला उन्हें पूछा, मसला की है कि एक औरत का निकाह हो गया किसी मर्द नाल, मर्द हक मैर भी मुकर्रर नहीं कर सकिया कि इन्ना हक मैर होएगा। तो अगली गल ये वे कि रुख्सती भी नहीं हुई, तखलिया भी नहीं होया, मुलाकात भी नहीं हुई, खामन फौत हो गया, हक मैर मुकर्रर नहीं होया, निकाह हो गया। हुण दसो ये औरत इद्दत गुजारेगी? नंबर दो, इस औरत का हक मैर की होएगा? बड़े लोगों को मसला पूछा, समझ नहीं आ रही। क्यों? साडे तुहाडे अर्गे मुफ्ती नहीं सन, उन्होंने पता सी दीन नबी पाक दी शरीयत दा नाम है, अपनी मर्जी दा नाम दीन। असी ते जो मुंह च आया लिख के थले लिख दिता अल हदीस। ए चिट्टा नंगा नबी पाक ते बहतान है। अगर नबी अली सलाम दा वो फरमान नहीं ते नबी पाक दे खाते पाया ते हुजूर अली सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा इंज करता है वह अपना ठिकाना जहन्नम च बना ला। अजीब परेशानी है सारे पास्यों फिर फिरा के। हुन जनाबे अब्दुल्ला बिन मसूद को रजी अल्लाह ताला अन
हजरत ए मसला सानू दसो, निकाह हो गया, हक मेहर मुकर्रर नहीं होया, हुण उहदा हक मेहर की होएगा, इद्दत गुजारेगी कि नहीं, चूंकि खावत उहदा फौत हो गया रुख्सती तो पहले, मुलाकात तो पहले। जनाबे अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने नबी पाक दे दुनिया तो तशरीफ ले जान दे बाद एडा औखा मसला अज तक मैनू किसे पुछया ही नहीं। फरमान लगे तुसी पुछो भाई होर लोगों को लो सज्जो खब्यो। उन्हें है जी असी फिर टुर आए हाँ, नहीं गल बनी। फरमान लगे फिर मैनू मौका दियो। एक महीना इंतजार किया, किन्ना एक महीना, क्या मैनू कि तो नबी पाक दी हदीस लभ जाए, आपका फरमान मिल जाए। इत्थे ते मौली साहब नू मसला पूछो, पता है ते भावे नहीं पता। उन्हें लै मैनू हुण मसला पूछा ते जे मैं ना दस्या ये आखा मैनू पता नहीं ते लोकी की आखण, लै रोंदा मौलवी बनन, इहनू मसले दा ही नहीं पता। उन्हें है मैं दसना जरूर है, मेरा तो बेड़ा गर्क होया ही होया, नाल इन्हां दा भी करके छड़ना है। वाह नबी दियो गुलामों, मैं तुहाडी अजमत तो सदके जा, एडे मुहतात सहाबी है रसूल ने, और सहाबी भी आम नहीं। नबी पाक ने फरमाया सी जिन्हें कुरान सीखना है इबने मसूद को सीखा जा। एक महीना गुजर गया, वह आंदे ने हजरत मसला दसो, फरमाते ने मैनू कितों रिवायत नहीं मिली, हदीस नहीं मिली, ते मैं हुण एक मसला दसन लगा वा, अगर ये सही होए ते अलहम्दुलिल्लाह, और अगर खुदा नखास्ता ना सही होया, मैं अल्लाह को पहले ही माजरत खावा कि ये मेरी तरफों होएगा, और अगर मेरी गल दे मुखालफ किसे मौके ते नबी पाक दी हदीस लब जाए, मेरी छड़ के ते ओदे ते अमल करना है जी। दसो, फरमाया एदा हक मैर जेड़ा आम औरतां दा अंदाजा हुंदा ही है ना, आम औरतों का किन्ना हक मैर है पिंडां च, खास करके जेड़े जी जिन्ने जोगे ने उहदे वास्ते जिन्ना हक मैर आम औरतों का हुंदा है उन्ना इहदा हक मैर होएगा। नंबर दो, इहदा खामद फौत होया ते इहनू चार महीने दस दिन इद्दत पूरी करनी पै गई, ते नंबर तीन एदे खावन दी जायदाद विचों इनू हिस्सा भी दिता जाएगा। ये आपने मसला बयान फरमा दिता। कुदरती बाज औकात हुंदा है किसे वेले को गल किसे तक नहीं पहुंचती। वडेरी जी उमर दा एक बजुर्ग कबीला असजादा, एक बड़ा वडेरी जी उमर दा बजुर्ग उठ के खड़ा हो गया, कह लगा इबने मसूद मैनू ते पता ही अज लगा इस गल दा, ए इबने मसूद जी जेड़ा मसला तुसां दस्या इंज दा मसला साडे कबीले च पैदा होया सी ते नबी पाक ने इंज ही दस्या सी, नबी पाक ने इंज ही मसला दस्या से जिवें तुसां बयान फरमाया। कामों की वाले ओ दीन साडी मर्जी दा नहीं, दीन अपनी मर्जी दा नहीं, दीन की है अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, दीन खालिस अल्लाह वास्ते वे, शरीयत ओवे जड़ी नबी पाक दी जबान नबुव्वत चो निकले अल्फाज ने। आज भी अगर असी एक हाथ च कुरान ले लईए, दूसरे च नबी पाक दी हदीस ले लईए, कुरान हदीस नूं वेंदे जाइए, जिंदगी गुजारदे जाइए, इंशाअल्लाह दुनिया आखरत अंदर अल्लाह इज्जतां अजमतां बरकतां नाल माला माल फरमानगे। अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह सारियां नूं किताब व सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक बख्श। صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أبائي कुछ ऐलानात ने समात फरमा लो। शेख कासम इस्माइल उन्होंने लिखे अज मेरे वास्ते दुआ फरमाओ, अल्लाह अच्छा रोज़गार नसीब फरमाए, अल्लाह अपनी रहमत नाल तमाम नो बाइज्जत बावकार रोज़गार नसीब फरमाए। कर्जे च डूबे हैं जी, बहुत कर्ज है, अल्लाह इन्हां वास्ते आसानियाँ पैदा फरमाए, कारोबार की बरकत वास्ते उन्होंने लिखिया दुआ करो अल्लाह सब दे कारोबार च बरकतां फरमाए। भाई की शादी करनी है, मुश्किलात ने अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। एक खातून ने 300 रुपया मदरसे वास्ते भेजे है, अल्लाह इन्हों जजाए खैर अता फरमाए। एक होर ने 500 रुपया मस्जिद वास्ते भेजे है, अल्लाह इन्हां दे माल जान च बरकतां नसीब फरमाए। इसे तरह एक मोहतरम है शेख अब्दुल रशीद साहब ने लिखा है, गरीब है, अखां दा ऑपरेशन करवाया, लेंस की जरूरत है, अगर कोई साहब तावन करना चाहे शायद वो नीचे दरवाजे ते बैठे ने। अब्दुल रहमान साहब की जौजा मोहतरमा हस्पताल च जेरे इलाज ने, दुआ फरमाओ अल्लाह उन्होंने मुकम्मल शिफा अता फरमाए। इस तरह एक साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा रोका लिखा, मुख्तसर लिखा करो, पूरी किताब ना लिख के भेजा करो, चूँकि वक्त बड़ा थोड़ा होंगे कि मैं कुरान का हाफिज़ हाँ, घर के हालात मुनासिब नहीं, मेरिया भैन मेरी माँ ने मेरे खिलाफ गल्लां कर दियां ने, मैं बड़ा मुअद्दब हाँ, दुआ करो अल्लाह इन्हां वास्ते आसानियाँ पैदा फरमा दे। और एक साहब ने लिखिया जी, वालदा वास्ते दुआ फरमाओ अल्लाह उन्होंने सेहत कामिला अता फरमाए। हफीज़ुर रहमान लोधी साहब की साली मुहतरमा उन्हां वास्ते दुआ फरमाना, अल्लाह उन्होंने मगफरत फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलाम।